अस्सलाम वालेकुम बड़े लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तो मैं हाँ सलीम बलोच। मैं अपने चैनल के तमाम नमें आने वाले व्यूवर्स को खुश आमदीद था और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश है सारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट लाजमी करे सो नाल घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करे सो ताकि सारी हर आने वाली वीडियो थारे तक बआसानी पहुँच सके। आज मैं मौजूद हाँ मौजा मुहम्मदपुर तहसील कहरोड़ पक्का और ज़िला लोधरा के बच्चे जिते कि मिनी ट्यूबवैल जड़ी लगती पी है सोलर सिस्टम उत्ते और उनका फिलहाल जड़े बोर का प्रोसेस जारी है और इन बोर का प्रोसेस क्या है इतना को दिखेने नाजरीन जिमें क्या आधन के ज़रूरत इजाद की माँ है जड़े इंसान इन जदीद दौर दे अगर जदीद वसायल को बरोए कार ना लावे तो वह तरक्की नहीं कर सकता। यकीन अपने वसायल को जदीद तरीके नाल अपना दे ही एक इंसान जड़ा तरक्की कर सकते इवें ही आज जड़ा दौर चलता पे इन सब तो जड़े ज़्यादा मसायल का शिकार है वो किसान है क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग की वजह तो पानी पूरा नहीं दे सकता जिंदी वजह तो फसल मुतासर थी। इंसानों ने मुख्त सिर मिनी ट्यूबवैल लावन का जड़ है वो तकरीबन जड़ा प्रोसेस है वो शुरू कर दिता है। मिनी ट्यूबवैल का लगन का प्रोसेस क्या है इनका खर्चा क्या है ये सारी डिटेल जो तो वीडियो दसने ये पैप हैं जड़ा कि बोर थीवन के बाद जमीन लहा दिते वैसे ये ट्रैक्टर और ट्रालियों से मुकम्मल समान फिट थो है जड़ा कि एक जगह तो दूजी जगह आसानी नाल मुंतकिल थी सकते हैं। इंदे इलावा ट्रैक्टर जड़ा है वो चलता है खड़ा और इंदे नाल नाल जड़ा है उत्ते कुप्पी भी लगी हुई है जड़ी के करंट पड़ेगी और इंदे इलावा बाकी क्रास लगा जड़ के क्रास नाल ये पक्खा चलता है। इतने गिर जड़ा पैप जोड़ा मैदा पै और पैप बतलू जड़ा है एक बर्मा लाया वैसे जड़ा के जेरे जमीन लांदा वैसे जड़ा के तुस रेदे पैवे ट्रैक्टर रनने के खड़े और जड़ा बर्मा तले लांदा वैंदे जमीन दे उतू पानी छेक के जेरे जमीन जड़ा बर्मा चलता पै उंदे च पानी पहुँचाया वेंदा पै ताकि जमीन इन दे विच जड़ी रेत है वह नरम थी कि जरा पखा तो मरी खाया वो पानी छिकेंदा पै और वो पानी बहर खारिज थींदा पै। ए हई बोर थीवण दा प्रोसेस मजीद जड़ा इंदा इंचार्ज उंदा गल करेने इतने केर जो काम करें पैन जड़े मशीन के इंचार्ज हैं सारे मौजूद हैं उन्होंने गाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर सब तो पहले अपना नाम दसो। सिजाद हुसैन। अच्छा सर अपने कितने रिहायश है? अलीपुर सदार। अच्छा सर ये दसो ये बोर जो तुम करेंगे पे वे सिर्फ छोटी मतलब मिनी ट्यूबवैल का करेंगे या वही मतलब बोर करेंगे वे? वही थी छोटी का ही थी। अच्छा ये दसो कि जो बोर करेंगे पे तुम्हें बोर करेंगे पे डेढ़ सौ फुट करेंगे कितने पैसे मतलब तुम बोर कर रहे अगर डेढ़ सौ फुट सीखो अंदाजा कितना मतलब अगर कोई काश्तकार लगाना चाहे कितना बजट उन्होंने होना चाहिए? 2,15,000। अच्छा सर ये दसो कितने घंटे अगर तुम काम स्टार्ट करो कितने घंटे मतलब एक बोर तुम 150 फुट का मतलब फिट कर रहे वे? 3 घंटे फाइनल दिए। हाँ बजट ऐसे 2,15,000 2,50,000 तकरीबन सारा समान तो अपने होंगे पैंप समेत हर चीज जो फिल्टर समेत सारा अपना होंगे फाइनल कर पानी काटते रहने सही मतलब 2,50,000 तुम मतलब पानी काटते रहे सो जो पानी काटते रहे बिजली वाला सिस्टम ही नहीं था उसी पानी असा काटते रहने बोर का जड़ा सिस्टम है वो मुकम्मल थी चुका और इन अलावा जड़ा अगला मरला जड़ा वो है मिनी ट्यूबवैल की सैटिंग और जड़ी मिनी ट्यूबवैल की जी सैटिंग है वो मुकम्मल थी चुकी है और पानी जड़ा निकलता पे इन कितना खर्चा है और इन जड़े मालिक हैं उन्हें नाल भी थोड़ा मिलवे ने और सारा प्रोसेस क्या है चल के थोड़ा वीडियो लिखे ने सारे नाल नाल रसो। यह सोलर प्लेटा सिस्टम जड़ा कि फिलहाल छत उत्ते रखा हुआ है लेकिन बाद इन्हां वास्ते बकायदा एक स्टैंड बनाया वैसी
माशाल्लाह जी चार दा पैंप है और बहुत जबरदस्त पानी आंदा पे और जड़ी मोटर है वो जेरे जमीन है। مزید این منی ٹیوب ویل دے جڑے مالک ہیں او سارے موجود ہیں کون ساری معلومات گھنے السلام علیکم وعلیکم السلام سر سب تو پہلے تا اپنا نام رسے سو جی غلام بلال رند اچھا سر اے رسو اساں تھوڑے ٹھے جڑے اے منی ٹیوب ویل تساں لئی اے اے تھو کو مطلب ہے کیویں سوچ اے کہ منی ٹیوب ویل لامنے چاہی دی سوچ ہی آئی اے تے مجبوری ہائی صحیح اوئی جو 400 مطلب ہے گھنٹے دا گندیاں ٹویل والے سال سوا ایک تھا اے ਹੁਣ 800 ਵੱਲ ਹੁਣ 1000 ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਉਠਾਏ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਰਸੋ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਣ 545 ਵਾਟ ਦੀ 16 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਆਦਾ ਜੋ ਵੀ 18 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ 16 ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਐਵਰੇਜ ਜਹਾੜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਥੀ ਹੋਵੇ ਬੋਰ 150 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਹੀ 8 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ 5-6 ਏਕੜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਤਵਾਤਰ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾ ਆਸਾਨੀ ਪੀਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲਾਗਤ ਕਿਤਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਲਾਗਤ ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਔਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਸਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੀਦ ਕਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦੁਆਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।